तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो ये स्प्लिट एसी है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, आप खुद से ही उसको साफ कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। आपको बाहर से किसी को भी बुलाने का जरूरत नहीं है। जब नहीं बुलाओगे तो भैया आराम से आपके 400-500 रुपए जो लगने वाले थे वो आपके बच जाएंगे। जो सफाई करने का जो प्रोसीजर होता है ना, जो आप खुद से करोगे वो एग्जैक्टली सेम होता है आप बाहर से किसी को भी बुलाते हो तो। बस डिफरेंस होता है कि आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप सोचते हो कि भैया मेरा साफ होगा नहीं होगा। तो मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसको बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करना, आपको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आपका एसी बहुत जबरदस्त वाला साफ हो जाएगा एंड सॉलिड चिल करने लगेगा। एंड हमने विंडो एसी को भी क्लीन करने का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर विंडो एसी अगर आपके पास है या फिर किसी के पास भी है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। तो चलो अब अपने एसी की जो सफाई है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एसी यहाँ पे LG का है, अगर आपके पास दूसरा किसी भी ब्रांड का AC है तो भी आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब जैसे ही आप AC के ऊपर वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, ये सारे ही AC में आपको मिलेगा। और आपको ये फिल्टर रिमूव करने का यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ये देखोगे ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन है, इसी को पकड़ करके आपको ये जो फिल्टर है ना, आपको यहाँ पे रिमूव करना होता है। हो सकता है अगर आपका दूसरा ब्रांड का AC है तो यहाँ पे आपका पकड़ने का सेक्शन इस साइड हो या फिर उस साइड हो, मतलब आपको रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए हुक दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको रिमूव करने के लिए आपको उसको कुछ इस तरह से अनहुक करना पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको अनहुक कर लो, और ये जो आपका एसी का फिल्टर है ना, जो कि सबसे ज़्यादा गंदा रहता है, उसको यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तो इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया, और इसका अब आप हाल देखो ये किस हाल में है। सो चलो सबसे पहले अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं। सो इसको साफ करने के लिए आपको चाहिए पानी और आपको चाहिए ब्रश। तो यहाँ पे हमने दोनों जुगाड़ कर लिए हैं, और अब आपको मैं एक सेक्शन जो है वो पहले साफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर गंदगी जमी हुई है। इसका काम क्या होता है ना कि यही वाला जो सेक्शन है वो हवा को खींचता है, और आपको जो हवा है वो आपको एयर सप्लाई देता है। एंड यही अगर आपका गंदा रहेगा तो एसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसको पहले मैं आपको एक सेक्शन साफ करके दिखा लेता हूँ कि कितना ज्यादा गंदगी यहाँ पर है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले जरा देख लो कितना गंदगी है। अब इसी को हम लोग पहले साफ करते हैं। तो इसको हम लोग चला लेते हैं अपने नल को, एंड ये देखो हमारा जो ये एरिया है वो साफ होने लगा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो सेक्शन है ना, ये फट भी सकता है, ये नेट का होता है। तो आपको जो ब्रश है उसको बहुत सॉफ्टली चलाना है, एंड सॉफ्टली चलाओगे तो ये आराम से साफ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रगड़ना पड़ेगा, एकदम भी नहीं, आप एकदम बिल्कुल जेंटल चलाओ, ये आराम से साफ हो जाएगा। एंड ये देखो आपको ये जो एरिया है वो हमारा साफ हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड आपको इसको बैक साइड से भी साफ करना है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बैक साइड में भी गंदगी होता है। तो ये जैसे आप बैक साइड में करोगे तो फ्रंट में भी अगर कोई कचरा फंसा हुआ रहेगा वो भी आपका आराम से निकल जाएगा। तो अब इसको मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे गंदगी जमी हुई थी। ये सेक्शन देखो कितना साफ हो चुका है, और यहाँ पर देखो दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि आपका जो एसी है वो ठंडा हवा क्यों नहीं दे रहा था, या फिर सर्विसिंग का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो यही रीजन है एसी का एक्चुअल सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट होने का। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो प्रॉपर का पूरा है ना, एक सेक्शन यहाँ पे मैं आपको और साफ करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल जेंटल आपको चल रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कोई प्रेशर देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक गंदगी का सिर्फ एक मोटा लेयर होता है। लेयर नहीं बोलेंगे, चादर जिसको बोलते हैं ना, तो चादर नहीं है ये एक प्रॉपर समझ लो गद्दा है लेयर गंदगी का। तो इसको आपको बस जेंटली ऐसे ऐसे करके साफ करते जाना है। एंड आई नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत सूटिंग भी लग रहा होगा साफ होते हुए देखना, बिकॉज जो गंदगी है वो हट रही है एंड जो साफ एरिया आते जा रहा है ना, तो इसको देखना भी बहुत सूटिंग भी लगता है, एंड करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। एंड जब करोगे ना तो क्या बोलते हैं, पैसे भी बचेंगे, और हर बार आप अपने आप से ही इसको साफ भी कर लोगे, किसी पे आपको डिपेंड रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको पैसे किसी को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख लो हमारा जो एक सेक्शन है वो साफ हो चुका है, और सारा कुछ हम लोग ऑन कैमरा कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी हो रहा है, कोई भी ये टाइम टेकिंग नहीं है। यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो, इसमें तो चलो थोड़ा बहुत पानी आ गया तो इसलिए ये भी हल्का साफ हो गया है। आप इस दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं इसको हाथ से एक बार हटा के दिखाऊं ना, तो ये देखो
ये देखो देख रहे हो हल्के से में मेरे हाथ में कितनी ज्यादा गंदगी आ गई है। तो ये ऐसे ही आपको खाली साफ करना है, देख रहे हो कितनी गंदगी है। तो साफ करना बहुत ज्यादा इजी होता है, आप आराम से घर में ही 10 से 15 मिनट में ही इसको साफ कर सकते हो, किसी को ना बुलाने की जरूरत है। और आपका जो एसी है वो बिल्कुल चिल्ड हवा देगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ से साफ किए तो सफाई नहीं हुई, बिकॉज जो सफाई करने वाले आते हैं वो भी यही काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। तो आप आराम से 10 मिनट में अपने से ही ये कर सकते हो। तो अब जल्दी से हम इसको पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा गंदगी निकल चुकी है और हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। एंड मैं वापस से कह रहा हूँ कि अगर आप करना चाहो आप आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से सफाई कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो एसी है वो जबरदस्त चिल्ड करने वाला है। बिकॉज जो मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ ना, यही स्टेप जो सर्विसिंग करने वाले आते हैं ना वो लोग भी बस यही करते हैं और आपसे फालतू के 400-500 रुपए ले जाते हैं। गंदगी आप देखो कितनी ज्यादा है और आराम से हमारा जो एसी है वो बिल्कुल चिल्ड काम करेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें इस वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा पानी है, तो इसको हमें पहले इस तरह से थोड़ा पानी झाड़ लेना है और इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सूखने के लिए देना है, बिकॉज अभी ये बहुत ज्यादा गीला है। तो अगर हम डालेंगे तो मशीन भी पूरी गीली हो सकती है। तो 5 से 10 मिनट आप इसको सूखने के लिए छोड़ दो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। अब जब तक हमारा फिल्टर सूखता है तब तक आपको एक और प्रोसेस करना है कि ये वाला जो सेक्शन है जहाँ से हमने ये जो फिल्टर निकाला था इसको भी आपको क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको मग में भी पानी चाहिए होगा और वापस से आपको ये ब्रश चाहिए होगा। आपको अपने ब्रश को मग के पानी के अंदर डिप करना है और मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। भाई वाला फ़ोन दीजिएगा, ये वाला मग पकड़ लीजिए। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इस वाले सेक्शन में ये जो फेंस वाला जो सेक्शन होता है ना, आपको इसको भी हल्का हल्का क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है। ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की है ना कि इस वाले सेक्शन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मतलब सॉफ्ट सफाई करनी है। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा नेट वाले में आपको सॉफ्ट रखना है, तो उसमें अगर आपका हल्का सा हार्ड भी हो जाएगा ना तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन इस वाला जो सेक्शन है ना ये बिकॉज एक समझ लो टेढ़ा हो सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत जेंटली साफ करना है। यहाँ पे आप देख लो साफ भी हो रहा है, आपको इसको बहुत जेंटल साफ करना है एकदम हल्के हाथों से। और एक बार आप इसको अच्छी तरह से देखो यहाँ पे ना प्रॉपर गंदगी जो है वो सेटल हो जाती है एंड ये वाला सेक्शन से ही जो एयर फ्लो सब जो है वो क्रॉस होता है। देख लो ना कितने मस्त सफाई हो रही है, देख लो पूरी गंदगी जो है वो हटते जा रही है। तो आप आराम से ही अपने से ही कर लोगे यार, किसी को बुलाने का वापस से बोलना ज़रूरत नहीं है। देखो मस्त साफ होते जा रहा है, इसको आप बिल्कुल जेंटल से करो, जेंटली करो, सॉफ्ट से करो और आपका जो ये वाला सेक्शन है मतलब हल्का हल्का करते रहो, ये जो है आराम से आपका साफ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, भैया जिसके पास भी स्प्लिट एसी है ना उनको ये वाला वीडियो ज़रूर से शेयर करना, बिकॉज उनके भी बहुत ज़्यादा काम का आ सकता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विंडो एसी है तो अगर उसकी भी सफाई देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये जितने भी सेक्शन है आप उनको इस तरह से अच्छी तरह से जितना भी गंदगी है जितना पॉसिबल हो सके आप उनको साफ कर लो। देखो पूरा फर्स्ट क्लास यहाँ पे जो है वो सफाई जो है वो हो रही है। अब इसके बाद इसको आपको अपने कपड़े से एक तो पोंछ लेना है, बिकॉज ये प्लास्टिक का सेक्शन है ये उतना मैटर नहीं करता, तो बेटर है कि आप ये सारा जो सेक्शन है ना उसको अच्छी तरह से यहाँ पे कपड़े से ही पोंछ लो। यहाँ पे मैं आपको उंगली से साफ करके दिखा दे रहा हूँ, आप कपड़े से इसको साफ कर लेना। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो रूम का एसी है वो मैक्सिमम टाइम उसका पावर ऑन रहता है, तो आपको उसको ऑफ कर देना है, बिकॉज अगर ऑफ नहीं करोगे तो हो सकता है झटके भी लग सकते हैं। तो हमारा जो एसी का जो स्विच है वो ऑफ हो चुका है। तो हमारा जो एसी का फिल्टर है वो बिल्कुल साफ और सूख भी चुका है, देख सकते हो पहले किस हाल में था वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और अब किस हाल में है वो तो आप देख ही रहे हो, मतलब कितना ज्यादा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसको हमें वापस से इंस्टॉल करना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको वापस से अपने जो ये जो फिल्टर है इसको ऊपर ले जाना है और इसको सिंपली आपको इस तरह से लॉक कर देना है। ये देखो लॉक हो गया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें लेंदी नहीं है। ये देखो पूरा का पूरा जो फिल्टर है वो यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, ये बाहर की जो गंदगी है ना इसको भी आपको पोंछ लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गंदगी होती है या सराउंडिंग में होती है वही जो है वो यहाँ पे फिल्टर में जाके फंसती है। तो सारे एसी को साफ करना और सराउंडिंग्स को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देना ताकि एयर फ्लो में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना आए। सो अब अपने एसी को ऑन भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो सर्विसिंग है वो कैसी रही।
तो हमारा एसी यहाँ पे ऑन हो रहा है एंड आई गेस ये ऑन हो चुका है। अब इसको पावर बटन दे देते हैं। सो गाइस हमारा जो एसी है अब वो प्रॉपर तरह से चिल्ड कर रहा है। एंड आप कहोगे कि पहले क्यों नहीं साफ किया, तो मैंने इसलिए नहीं किया था ताकि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं, क्योंकि अगर पहले से साफ कर रहा था तो जो गंदगी और जो सफाई का जो डिफरेंस है वो आपको नहीं बता पाता। एंड मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें हों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, आपको पता पड़े कि जो गंदगी होती है उसके बाद सफाई होती है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, तब आपको पता है कि आपको अपने घर का जो स्प्लिट एसी है वो कैसे साफ करना है और आप आराम से उसको 10 से 15 मिनट के अंदर कर लोगे और अपने पैसे भी सेव कर लोगे और आपको पता भी पड़ जाएगा, आप सीख भी लोगे, बिकॉज़ चीजें सीखनी चाहिए। एंड उसके बाद आपका जो एसी है वो बिल्कुल इस तरह एकदम चिल्ड काम करेगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। वीडियो काम की रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। सो जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग।